So very warm good morning to all students. So today topic is how nutrients are replenished in the soil. Replenished, ठीक है. तो अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपनी soil की nutrition जो power है जहाँ उसको maintain करके रखते हैं nutrition को अपनी soil के. Have you seen farmers spreading manure fertilizer in the field or garden using them in lawns or in the pots? Do you know why they are needed to the soil? उन्होंने बोला है कि जो हमारे पास जो हमारे farmer है जो वो हमारे manure और fertilizer field में डालते हैं वो किस लिए डालते हैं, जहाँ हमारे gardener है वो अपने lawns और अपने pots में डालते हैं वो किस लिए डालते हैं और क्यों डालते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं. यू लर्न दैट प्लांट ऑब्जर्व मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो सॉइल में से मिनरल और न्यूट्रिएंट को लेते हैं, ठीक है. तभी वो मतलब कि ग्रोथ करेंगे ना, जब उनको मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. वो कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से. सो देयर अमाउंट ऑफ सॉइल इन द सॉइल सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. तो वो फिर क्या होगा, जब हमारे पास एक सॉइल है उनको न्यूट्रिशन और मिनरल्स देता रहेगा तो उसमें से वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे. ये तो नहीं है कि उसमें मतलब कि बहुत न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट्स हैं जो मतलब कि प्लांट को ग्रोथ करवा रहे हैं. वो जो करवा रहे हैं ग्रोथ वो उनका भी कम होना कम हो सकते हैं वो. तो उन्होंने बोला डिक्लाइनिंग होने स्टार्ट हो जाएंगे जब हम सॉइल से न्यूट्रिशन और मिनरल लेना स्टार्ट कर देते हैं प्लांट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन पोटाशियम फास्फोरस एट्सेट्रा. तो उन्होंने बोला है कि जो हमारे पास फर्टिलाइजर और मैन्योर हम यूज़ करते हैं किसी भी प्लांट को, वो क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन पोटाशियम एंड फास्फोरस देते हैं, ठीक है. दिस न्यूट्रिएंट नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू इनरिच द सॉइल. तो हमें जो ये मटेरियल्स हैं या जो तो वो न्यूट्रिशन उनको देंगे. उसके बाद बेटा इनरिच मतलब कि उसकी अमाउंट भी मेंटेन करके रखेंगे. वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप them healthy if we can fill the nutrient required of plant. उन्होंने बोला कि जो हमारे पास प्लांट है वो क्या कहते हैं, जब भी हेल्थी रहते हैं तो उनके पास उनके न्यूट्रिशन प्रॉपर होते हैं तो वो प्लांट को कीप ग्रो मतलब कि उसको ग्रो करने के लिए और हेल्थी रखने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं. यूजली क्रॉप्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन, ठीक है. तो उन्होंने बोला कि जो क्रॉप्स होती हैं हमारे पास उन्हें लॉट ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए. आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. मैक्सिमम हमारे पास नाइट्रोजन कौन ले लेगी, हमारी क्रॉप ले लेगी प्रोटीन प्रिपेयर करने के लिए. जब हम उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी. You can learn that through nitrogen gas is available in plenty in the air. तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास नाइट्रोजन की मतलब कि परसेंटेज है वो हमारे एटमोसफेयर में प्लेंटी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा है. प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमने ये भी पढ़ा था इसी चैप्टर में कि जो हमारे पास एटमोसफेयर की नाइट्रोजन होती है प्लांट उसे यूज़ ना करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है. दे नीड नाइट्रोजन इन दी सोलेबल फॉर्म. उनको जो नाइट्रोजन चाहिए होती है प्लांट जहाँ हमारे सॉइल को, वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, सोलेबल फॉर्म में होनी चाहिए. द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इन टू ए सोलेबल फॉर्म. तो हमने तभी एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था जिसे बोलते थे राइजोबियम, जो हमारे पास एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता था और उसको कन्वर्ट करता सोलेबल फॉर्म में. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट सेवन फूड. मतलब उन्होंने बोला कि जो राइजोबियम होता है वो अपना फूड है खुद नहीं बनाता. सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम पीस मूंग बीन्स एंड अदर लेगम्स प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन.
तो उन्होंने बोला कि जो राइजोबियम है वो हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा सोल्यूबल फॉर्म में, बट एक राइजोबियम हमारे पास ऐसा बैक्टीरिया है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, सो इट लिव्स इन द रूट्स। मतलब कि उन्होंने बोला कि वो किनकी रूट में लिव करता है, ग्राम पीस मूंग बीन्स एंड अदर लेग्यूमिनस। जो हमारे पास मैक्सिमम जो हमारे पास बीन्स होती हैं, जहाँ हमारे पास ग्राम होती हैं या पीस होते हैं, उनकी रूट्स में ये पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेंड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। उन्होंने बोला कि जो हमारे पास मोस्ट पल्सेस होती हैं हमारे पास, वो हमें कहाँ पे मिलती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट में। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। उन्होंने बोला कि जो हमारे पास प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। जो हमारे पास पल्सेस, मैक्सिमम पल्सेस ग्राम पीस के बारे में पढ़ रहे हैं, वही हमारे पास जो हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उनको फूड और शेल्टर प्रिपेयर देते हैं उनके लिए। दस दे दस हैव ए सिम्बोटिक रिलेशन, दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्म। उन्होंने बोला कि ये जो हमारे पास है इन्हें, इसे हम सिम्बोटिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं, दिस इज एसोसिएशन ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। इन्होंने बोला कि वो ग्रेट मतलब कि अच्छी बात है किसी भी फार्मर के लिए, दे डोंट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन। उन्होंने बोला कि ये बहुत ही अच्छा मतलब कि अच्छी बात है कि हमारे फार्मर को कभी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना पड़ता जहाँ पे हमारे पास लेग्यूमिनस प्लांट वो ग्रो करवा रहा होता है, क्योंकि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जहाँ हमारे पास बीन्स होते हैं या मैंगोज होते हैं, उनके जो जहाँ ग्राम होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं, उस वहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया होगा और वो क्या करेगा, एटमोसफेयर से नाइट्रोजन को लेगा और उसे सोलेबल फॉर्म में पर मतलब कि कन्वर्ट करके प्लांट को देना स्टार्ट कर देगा और सॉइल के लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि जिसकी मदद से जो भी हमारे पास लेग्यूमिनस प्लांट के ग्रोथ करवाते हैं फार्मर, उनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रोप्स। हाँ, तो उन्होंने बोला कि इनमें से जो हमने चैप्टर पढ़ा है, तो इनमें से बहुत से प्लांट है जो ऑटोट्रोप्स है, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। Only a few plant adopt other mode of nutrition. उसमें से कुछ प्लांट एक ऐसे हैं जो अपना अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे लाइक पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रोपिक। ये हमारे पास प्लांट हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स बोल सकते हैं, जो हमारे पास हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन से ग्रोथ करते हैं, पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रोपिक। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। वो अपना और न्यूट्रिशन कहाँ से बनाते हैं, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेटरोट्रोप सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड। और ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, आर कैटेगराइज बाय हेटरोट्रोप्स। हेटरोट्रोप्स बोला जाता है सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड। तो वो अदर प्लांट या अदर फूड पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवरस प्लांट आर कॉल्ड पार्शियल हेटरोट्रोप्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं उन्हें हेटरोट्रोप्स बोला जा सकता है। तो बेटा ये हमारे पास कीवर्ड है, तो प्लीज़ इनको कीवर्ड को देखना, ऑटोट्रोपिक, क्लोरोफिल, हेटरोट्रोप, होस्ट, इंसेक्टिवरस, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सेफ्रोट्रोप, सेफ्रोट्रोपिक एंड स्टोमेटा। तो ये आपका वर्क है बेटा, जो ये वीडियो देख रहे हो आपने ये वाले अपने रफ कॉपी पे लिखना है कीवर्ड आपने। ओके, तो ओके बेटा, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और ज़रूर देखना पूरी।